फोर चार्जेस क्यू वन। देखो क्वेश्चन काफी इजी होगा, बेसिक वाला लग रहा मुझे तो, एकदम बेसिक वाला। फोर चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, Q4। कोई मैथमेटिक्स नहीं, बेसिक क्वेश्चन पूछे इसने बस। ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -2a, -a, +a और +2a, ठीक है। अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस बी, 0b कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फोर ऑप्शन इन द साइन ऑफ दीज चार्जेस आर गिवन इन कॉलम वन। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑन द चार्ज क्यू गिवन इन कॉलम टू, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू। एकदम बेसिक वाला एलिमेंट्री क्वेश्चन है, कुछ भी मतलब। ये तो जैसे ये बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है तो जो जेई एडवांस की तैयारी करते थे ना, वो बहुत एडवांस फालतू की चीजें पढ़ते थे। ये किताब एचसी वर्मा, ये पता नहीं कौन कौन से कहते थे, है ना, ये किताब वो किताब। उन्होंने एकदम बेसिक स्कूल लेवल पूछना शुरू कर दिया, बेसिक एकदम। उसको बच्चे को बेसिक आता नहीं, हाई फाई आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो कमेंट कर सकते हो, फर्स्ट किससे मैच करेगा अगर Q1 Q2। और ये बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्कूल के लिए, स्कूल के लिए, क्योंकि एक साथ इतनी चीजें पूछी है इसने। एनसीईआरटी पे टोटल बेस्ड है, कह सकते हो इट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और बेसिक पे बेस्ड है, ठीक है। बहुत तारीफ हो गई इस क्वेश्चन की, शॉर्ट सॉल्व करता हूँ। अगर चारों पॉजिटिव हैं, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ठीक है। कॉलम टू में क्या रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज क्यू किधर होगा अगर चारों पॉजिटिव है। कितना बेसिक पूछ लिया मुझे तारीख है, तो किधर फोर्स होगा देखना। तो बस बेसिकली एनालाइज करना होगा चारों एक ही, मतलब इसमें एक चीज मैं देख लूं थोड़ा सा मजेदार तरीके से। तुम कमेंट कर सकते हो, मैं थोड़ा क्वेश्चन को एंजॉय करता हूं थोड़ा सा। एक जो छोटी चीज है हम इसमें कर सकते हैं कि ये दो नीले वाले तो एक तरह के हैं और दो लाल वाले कर देता हूं, ये अलग तरह के हैं, है ना। मतलब सबका पॉजिटिव चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट केस में। कमेंट कर सकते हो कि फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा, यू कैन कमेंट चैट बॉक्स में। इसमें तो कुछ भी मतलब नॉर्मल नीट के क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट होते हैं, मगर बेसिक बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या होगा, ये सुपरपोजिशन को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करता है। तो Q2 का जो फोर्स है क्यू पर वो इधर होगा, डायरेक्शन ही पूछी है उसने सिर्फ, और कुछ पूछा ही नहीं है, वैल्यू कुछ नहीं पूछी है। तो इसका इधर होगा और जिसको बेसिक आता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। मैं थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक है और बेसिक पे ही अटैक करना है। यहाँ पे इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो इसको यूज कर लेता हूँ, इधर होगा, है ना, ब्लू वाले का, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस वाले का इधर होगा, इस वाले का इधर होगा, इस वाले का इधर फोर्स होगा, नथिंग इज डिफिकल्ट। यस, डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो डायरेक्शन भी ऐसे ही हो जाएंगी, ऊपर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन। और तुम्हें दिख रहा होगा 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है लिखा हुआ, एडवांस जेई एडवांस का, नथिंग इज डिफिकल्ट। इसी तरह रेड वाले का कर लेंगे, कमेंट फास्ट। फर्स्ट आर से मैच करेगा, अच्छा फर्स्ट आर से मैच, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में, पी क्यू आर प्लस वाई डायरेक्शन, यस हाँ प्लस वाई डायरेक्शन, समझ गए, बहुत ईजी है, यस इतना ही करना है इसमें, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये इसको रेड करता हूं, लेट मी टेक अ रेड पेन एंड ड्रॉ। तो ये वाला इधर हो गया और एक इधर हो गया, मेरे पास वेक्टर भी तो है,
एक सेकंड, तो मैं एरो नहीं लगा रहा, यस वेक्टर भी है, सुंदर सा वेक्टर है, मैं फालतू में एरो लगा रहा हूँ, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब इनको रिजॉल्व करोगे, रेजोल्यूशन अभी तुमने पढ़ा है, जब इनको रिजॉल्व करोगे तो इनका जो एक्स कंपोनेंट है वो ब्लू वाले का और रेड वाले का, दोनों का जो एक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, रेड का भी जो एक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ऐड होगा। तो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक कंपोनेंट करने के ऊपर है, तो ये प्लस वाई की तरफ रिजल्टेंट आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला इस तरफ जब इसके कंपोनेंट करोगे, ब्लू का रेड का, ब्लू का कंपोनेंट ऐसे होगा इधर और इस वाले ब्लू का एक्स, और ये बहुत, यही बहुत काम आता है, और वाई कंपोनेंट कैसे होगा दोनों का, ये ऐसे। तो इस ब्लू वाले के एक्स वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। ऐसे ही सिमिलरली रेड के केस में होगा, तो नेट कंपोनेंट वाई के अलावा होगा, तो फर्स्ट वाला जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, आर से मैच करेगा, एकदम परफेक्ट, इतना ही आसान है। फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा, आर से मैच करेगा, तो या तो मैच करा तो यहां पे आर लिख दो, अगर गंदा नहीं करना है तो फर्स्ट वाला आर से मैच करेगा, गुड, ठीक है, फर्स्ट वाला आर से मैच करेगा, ओके। सो अब बाकी की बात करते हैं, सेकेंड वाला किससे मैच करेगा वो देखते हैं, सेकेंड वाला किससे मैच करेगा, अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है, अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है, सो Q1 Q2 को पॉजिटिव ले लो, Q1 Q2 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, Q1 Q2 पॉजिटिव, ये तो ऐसे ही रखते हैं, अगेन अब मैं इतना डिजाइन नहीं बनाने का, सीधा सीधा कर रहा हूं, ठीक है, Q1 Q2 पॉजिटिव है एंड Q3 Q4 नेगेटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है, तो Q1 Q2 पॉजिटिव और Q3 Q4 नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है, ये नेगेटिव हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पहले वाले से कि Q1 इसको रिपेल करेगा, है ना, Q1 इसको रिपेल करेगा, एक जो ब्लू वाला है वो ऐसे होगा और ये Q2 का ऐसे होगा, ठीक है, और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे होगा, नेगेटिव वाला इस तरफ होगा, नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ होगा और इधर वाला ऐसे होगा, इस वाले चार्ज की तरफ होगा, ठीक है, एंड ओके नाउ अब इसको थोड़ा सा वेक्टर से ही एनालाइज करना है, वेक्टर से एनालाइज करना है, देखो Q2 जैसे मैं अब यहां पे वैल्यू Q2 इस तरफ है तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो F ले लो, ठीक है, Q3 का मैग्नीट्यूड भी F होगा, फिर ये थोड़ा दूर दूर है तो इस वाले का मैग्नीट्यूड एफ डैश होगा और इस वाले का डबल एफ डैश होगा, तो इसमें क्या होगा कि इधर वाले जो वाई, अब कंपोनेंट करोगे सबके तो जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है वो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स के अलोंग वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है, एक्स के अलोंग वाले, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ आएगा, ऑब्वियसली प्लस एक्स की तरफ आएगा, प्लस एक्स की तरफ आएगा, तो सेकेंड वाले का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पी होगा, सेकेंड वाले का ऑप्शन पी होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना, सेकेंड वाले का ऑप्शन पी होगा,
सेकंड वाले का ऑप्शन पी होगा, सेकंड वाले का ऑप्शन पी होगा, ठीक है। फिर क्या है, Q1 Q4 पॉजिटिव। अब ये सब ऐसे एनालिसिस करके देखा, नेक्स्ट देख लो, मतलब सिर्फ एनालिसिस पे बेस्ड है और इस पे सारा। फिर क्या बोल रहे हैं कि Q1 और Q4 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, Q1 और Q4 पॉजिटिव, Q1 और Q4 क्या होगा, ये थर्ड वाला देखो, Q1 4 पॉजिटिव, Q2 Q3 नेगेटिव, Q2 Q3 नेगेटिव, यानी Q2 Q3 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लू वाले तो अट्रैक्ट करेंगे सेम मैग्नीट्यूड से, इसकी डायरेक्शन देखना इस तरफ होगी, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड भी एफ होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी इधर होगा, ठीक है। अब ये वाले जो रेड वाले हैं, रेड वाले चार्जेस, वो भी इसको अट्रैक्ट करेंगे, वो भी अट्रैक्ट करेंगे Q1, नहीं ये रिपेल करेंगे, सॉरी, ये रिपेल करेंगे, माय मिस्टेक, Q1 Q4 पॉजिटिव है ना, Q1 हाँ Q2, तो ये रिपेल करेंगे, माय मिस्टेक, ये रिपेल करेंगे ऐसे, और ये भी रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले अट्रैक्ट करेंगे, ये और ये नेगेटिव वाले अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड एफ है, ठीक है, एफ मैग्नीट्यूड है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ डैश है। अब इसमें फोर्स किधर होगा, अब देखना किधर होगा ये फोर्स। अब यहां पे थोड़ा मुश्किल हो गया, देखो एक तो ये फोर्स ज्यादा होगा और दूसरा एंगल कम है, तो एंगल कम है तो उसका कंपोनेंट भी ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है, और बाकी ये फोर्स जो है वो कम है, कम मैग्नीट्यूड के हैं, और अगर दोनों के चार्ज सेम है, ये तो नहीं बोल रहा है, सेम मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस पास में है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और ये वाला एंगल कम हो रहा है, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ वाला ज्यादा होगा अगर कंपोनेंट करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहां भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां भी जो नेट फोर्स है वो किधर होगा, आई होप माइनस वाई की तरफ होगा, तो थर्ड का आंसर माइनस वाई की तरफ होगा। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्योंकि एक तो ये लाल वाला पास है और उसका एंगल कम है, एंगल अगर कम होता है तो कंपोनेंट ज्यादा होता है, सारा एनालाइज करने के ऊपर है, तो ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको मैं छोड़ देता हूं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इसी मेथड से Q1 Q3 पॉजिटिव, Q2 Q4 नेगेटिव, ये आखिरी वाला करी, आखिरी वाला उसी से मैच करे, चलो कर ही देता हूं, लास्ट वाला तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मगर है बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरा बेसिक है, नथिंग फालतू, तो ऐसे ये एकदम ये एनालिसिस आना चाहिए, और ये एनालिसिस रट्टुओं को नहीं आता, ये एनालिसिस जो कोटा में पढ़ाते उससे भी नहीं आता किसी तरह से, वो तो रटाते क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन मतलब जैसे आते हैं वो कोई नहीं पढ़ा रहा वैसे, वो तो बच्चे का बेसिक एनालिसिस डेवलप करना होगा, वो नेचुरली होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, तो उस पढ़ने से भी फायदा नहीं, उसका बेसिक एनालाइज करने की टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ती है बचपन से, तब जाके वो आराम से क्वेश्चन कर पाता है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है। Q1 Q3 इज पॉजिटिव, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ मैथमेटिक्स नहीं, कुछ नहीं, Q1 Q3 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, Q1 Q3 पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम पहले ही बोल रहा है, और Q2 Q4 नेगेटिव, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, Q2 Q4 नेगेटिव, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये जो ब्लू वाला है ये इसको रिपेल करेगा,
इसी डायरेक्शन में, डॉटेड डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखे, सब पूरा बेसिक के ऊपर है, 100% बेसिक के ऊपर है, ना इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन, पूरा बेसिक। एंड Q4 रेड वाला है, ये उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड होगा। सिमिलरली इसको मैंने नेगेटिव को रेड कर दिया, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड एफ होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी एफ होगा, ठीक है। Q2 क्या करेगा, रेड वाला ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इधर फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, मान लो कुछ ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स होगा ऐसे, क्योंकि पास में है। और Q3 जो है ब्लू वाला, ये रिपेल करेगा उसी फोर्स से, तो ये एंड Q3 की तरफ करना है ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन है इसका ध्यान रखना है, डॉटेड लाइन, ये Q3 की तरफ करना है ऐसे, ऐसे यहां भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो डॉटेड लाइन है रेड वाली, ये तुम्हें हेल्प करेगी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा सीधा नोटंकी की है, ये जो है F, इसकी तरफ होगा, Q4 की तरफ होगा, तो ये Q4 की तरफ होगा, इट इज, एंड मैग्नीट्यूड इसका एफ होगा, ठीक है। तो ये इसकी तरफ हो गया, ये इसकी तरफ हो गया मैग, यहां पे, और ये इसकी तरफ, ये रेड वाला इसकी तरफ होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके जब कंपोनेंट करोगे तो दिखने से ही लग रहा है कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, दिखने से ही लग रहा है, पूरा एनालिसिस है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, दिखने से ही ऐसा लग रहा है कि इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, नहीं वाई डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन, दिखने से क्या लग रहा है, ये इसके सिमेट्रिकल है, देखो ये ऐसे है और इसका नीचे सिमेट्रिकल है, तो जब कंपोनेंट करोगे तो वाई डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे और एक्स डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट माइनस एक्स की तरफ आएगा, तो बचा क्या है इसका, माइनस एक्स ही बचा है ना, तो माइनस ये कौन सा बचा था, ये वाला माइनस वाई कौन सा था, आर दो बार, एक पहला वाला किससे मैच कर रहा था, थर्ड वाला किससे मैच कर रहा था, थर्ड वाला लिखा है ना, थर्ड वाला एस से मैच कर रहा था क्या, थर्ड वाला सॉरी आर लिख दिया मैंने, क्या थर्ड वाला एस से मैच कर रहा था, और फोर्थ वाला किससे मैच कर रहा है, फोर्थ वाला किधर होगा, माइनस एक्स की तरफ होगा, फोर्थ वाला क्यू से मैच करेगा, ठीक है, थर्ड वाला एस से मैच करेगा। आई होप ये मैंने सही किया हो, आई होप। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब सारे केसेस में कवर हो गए हैं और सिर्फ बेसिक एनालिसिस के ऊपर है, तो ये एनालिसिस तुम्हें मतलब बेसिक पढ़ने से ही आएगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।